जुपिटर, लोकेशन कैसी लगी? लोकेशन तो एकदम मस्त है यार, लेकिन देखना पड़ेगा आसपास कोई लोचा तो नहीं है। अरे नहीं यार, एकदम सेफ लोकेशन, यहाँ कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा? अरे वाह, फिर तो यहाँ रोमांस होना चाहिए। हाँ यार, मैं और तनु और दूर दूर तक कोई ना। और मैं? अबे तुझे हाँ कब बोला उसने? अबे भूल गया, हाँ तो तुझे भी नहीं बोला है। पक्का मौन यार, तुम दोनों झगड़ो मत, आज शाम तक पता चल जाएगा ना तुम दोनों में मेरा हीरो कौन बनेगा। अगर आज हमारा प्लान सक्सेस हो जाता है तो आज शाम तक हम सारे करोड़पति हो जाएंगे। सिर्फ कुछ घंटे, अपने जज्बातों पर काबू रखो, इसके बाद जो मन में आए सो कर देना। देखो हम लोग कोई बहुत बड़े क्रिमिनल नहीं है, पैसे के लिए किसी की भी जान लेना ये हमारा काम है, लेकिन हम सब लोग को शो यही करना है कि हम सारे लोग बहुत बड़े किडनैपर हैं। राइट, तभी हमें फिरौती में मोटी रकम मिलेगी। गजेंद्र सोलंकी इस शहर का नामी बिल्डर है और उसकी पत्नी की किडनैपिंग का हमें मोटी रकम मिल सकती है, लेकिन उसमें खतरा भी बहुत है। ए भाई क्यों डरा रहे हो मुझे? जैसे तैसे तो मैं यहाँ आई हूँ और तुम लोग तो पतलून गिली कर रहे हो यार। हाँ यार, मैंने तो कभी गोली भी नहीं चलाई, मैं तो यहाँ सिर्फ तनु के कहने पर चला आया। तुम दोनों ने दोबारा फट्टू वाली बात कर दी। साला शादी करके मजे तुम दोनों लेना चाहते हो, लेकिन रिस्क लेने में तुम दोनों की फट रही है। बस बस, झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि किसी भी हाल में हमें ये प्लान सक्सेस करना है, समझे? देखो भाई लोग, इससे पहले भी अपन लोगों ने कई छोटे मोटे कांड किए, लेकिन ये एक काम हम सबकी लाइफ सेट कर देगा। शिवा, गाड़ी को झाड़ियों के पीछे छिपा दे। ठीक है। वाह शिवा, तेरी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी, क्या गाड़ी लेके आया है, सो ब्यूटीफुल। जितने पैसे थे उतने में ऐसी ही गाड़ी आती है। अगर इसके पास पैसे नहीं थे, थोड़े पैसे तू मिला देता। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? कड़की है, तभी तो यहाँ आया हूँ। साले सब के सब चिंदी चोर हैं, पता नहीं राघव किनको उठा लाया। तुम तो हमेशा कंजूस ही रहोगे। डोंट वेरी यार, आज कड़की से कल तुम लोग अमीर होंगे। यार सोचा तो यही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आते ही हम सबसे पहले एक अच्छी सी फोर व्हीलर खरीदेंगे। तू बता पीटर, तू क्या खरीदेगा? अपुन तब सोचेगा जब पैसा हाथ में आएगा, फिलहाल इसके बारे में सोचो, ये ज्यादा ही परेशान है। सोचना क्या है, उठाए इसको और ले चलो जंगल में। ले आओ सनी। ए ज्यादा हाथ पाओ मत फेंक, कुछ नहीं होने वाला, समझी? अरे भाई ये अगर भागने की कोशिश कर रही है तो भागने देना इसे, हो सकता है कामयाब हो जाए। इन कमीनों की बातों में ना आना। कभी सुना है कि एक बकरी 6 भेड़ियों से बच सकती है? अच्छा सुनो, मैं इसके पति को फोन लगा रहा हूँ, ये बताओ पैसे कितने मांगने हैं? वो तो इन मैडम से ही पूछ लो। क्यों मैडम, तुम ही बता दो कि तुम्हारे पति तुम्हारी जान की क्या कीमत दे सकते हैं। अरे यार उसको छोड़ो भी, और राघव क्या बोल रहा है उसकी मदद करो। क्या मदद चाहिए तेरे को, उसके पति को फोन लगा के बात कर ले। ये सब इतना आसान नहीं है, अगर सोलंकी को जरा भी शक हो गया ना कि हम सब पेशेवर किडनैपर नहीं है, हम सब की वाट लगा देगा। इतना डरने की जरूरत नहीं है यार, उसकी पत्नी अपन के पास है, उसको बोल कि पैसा लेकर आए वरना ठोक देंगे साले को, बोल। बिल्कुल, और ये भी बोलना कि शाम तक पैसा लेके आ जाए, क्योंकि मुझे शाम तक गाड़ी और गाड़ी का भाड़ा दोनों देना है। अबे तू इतनी छोटी छोटी बातें क्यों करता है? अबे क्यों ना करूं, ये सारा पैसा मेरी जेब से ही गया है। रोहतक का पैसा आते ही ना सबसे पहले पेट्रोल और गाड़ी का भाड़ा निकालना है, उसके बाद ही किसी के हिस्से होंगे। ए शिवा, हम यहाँ लाखों करोड़ों कमाने आए, तू ये भाड़े की गाड़ी और पेट्रोल की बात कर रहा है, व्हाट नॉनसेंस। तेरी तरह हम सबको पैसों की जरूरत है, और इसीलिए हम सब यहाँ
अपनी जान खतरे में डाल कर आए हैं। और कुछ ही घंटों में हम सब अमीर होने वाले हैं। बस सब कुछ ठीक रहे। सब ठीक होगा यार, तू टेंशन मत ले। बस तू सोलंकी को फोन कर और ऐसी एक्टिंग कर बाप के साला सोलंकी हिल जाए। लगा फोन। ठीक, देख पीटर, मैं सोलंकी को फोन लगाता हूँ और कैसे फाड़ता हूँ। हेलो हेलो, सोलंकी स्पीकिंग हियर। ये आपके बोलने का टाइम नहीं है सोलंकी साहब, सिर्फ सुनने का टाइम है। कौन बदतमीज बोल रहा है? रिलैक्स सोलंकी साहब, रिलैक्स। जिन मर्दों की पत्नी है सुबह सुबह घर से लापता हो जाए ना, उन्हें थोड़ा नरमी से बात करनी चाहिए सोलंकी साहब। व्हाट नॉनसेंस, अंजलि तो मॉर्निंग वॉक पर गई है। ऐसा होता है सोलंकी साहब, लोग निकलते कहीं और के लिए हैं लेकिन पहुँच कहीं और जाते हैं, क्योंकि रास्ते में हम जैसे कमीने जो बैठे हैं सोलंकी साहब। चलिए ठीक है, सीधा मुद्दे पर आते हैं और आपकी बात आपकी लालच कराते हैं। गजेंद्र, गजेंद्र प्लीज मुझे बचा लो गजेंद्र। तुम वहाँ कैसे पहुँच गई? ये लोग मुझे यहाँ किडनैप करके लाए हैं, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, प्लीज मुझे बचा लो। घबराओ मत अंजलि, ये लोग नहीं जानते कि इन्होंने शेर को मार डाला। तुम सिर्फ ये बताओ तुम इस वक्त हो कहाँ। इतनी जल्दी भी क्या है मिस्टर सोलंकी? अंजलि से तो आप रोज ही बात करते हैं, आज थोड़ी बात हमसे भी कर लो। ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। आप तो नाराज हो गए सोलंकी साहब। खैर फिकर मत कीजिए, आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। प्लीज़ गॉड प्लीज़, बस आप पैसों का इंतज़ाम कीजिए। पैसा कहाँ पहुँचाना है ये मैं आपको मैसेज कर दूँगा। और हाँ, अगर आज शाम तक पैसा नहीं पहुँचा तो आपकी पत्नी के 6 टुकड़े आप तक पहुँच जाएंगे, समझे? हेलो हेलो हेलो। अरे वाह पीटर, तूने तो सच में सोलंकी की फाड़ दी। अरे आप उन्हें तो पहले ही बोला था कि डरने की ज़रूरत नहीं है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसा कितना मांगा जाए। यार मेरे सर पे तो 4 लाख रुपए का कर्ज है, मुझे घर भी बनाना है और शादी भी करनी है और तन्नू को हनीमून पर भी लेके जाना है। कम से कम 15-20 लाख तो मुझे ही चाहिए। अगर सबके ऐसे 25-25 लाख भी पड़ते हैं तो हो गया 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि सोलंकी इतने पैसे दे पाएगा। मैं तो कहती हूँ सोलंकी से जितना पैसा ले सको ले लो। तनु की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बताना तो पड़ेगा कि कितना पैसा चाहिए। ठीक है फिर 1 करोड़ ही मांगते हैं। तू बता पीटर, तू क्या चाहता है, 1 करोड़ ही मांगा जाए? अपन तो सोच रहा है कि सोलंकी से पैसा ही ना मांगा जाए, बल्कि अपन बोलता है सोलंकी को फ़ोन करके कि अपन लोग के घर में आटा चावल दाल चीनी ये सारा राशन भरवा दे, काफ़ी रहेगा ना इतना? हाँ ये आइडिया अच्छा है, लेकिन राशन के साथ साथ थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए ये ठीक रहेगा। वो कहीं मजाक लग रहा है, जानते हो अपन लोगों ने किसकी पत्नी को किडनैप किया है? वह शहर का सबसे बड़ा बिल्डर है गजेंद्र सोलंकी। रिस्क जितना बड़ा है पैसा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। पीटर की बात में दम है, हमें मोटी रकम मांगनी चाहिए। मुझे भी यही लगता है, लेकिन कितना मांग? हर एक के हिस्से में कम से कम 1 करोड़ रुपए आने चाहिए, तो 6 लाख का हुआ 6 करोड़। 6 करोड़, वाह वाह। ए सीधी कड़ियो, सीधी कड़ियो, लगी क्या? 6 करोड़ तो यार बहुत ज्यादा हो गया, फ्रौती में कोई इतनी मोटी रकम देता है क्या? ये तो चुप कर, एक बार से ट्राई तो करने दे। देख पीटर, अगर सोलंकी मना करे ना तो कुछ कम कर देना। कोई दे ना दे पर सोलंकी जरूर देगा, याद रखना करोड़पति बनने का मौका बार बार नहीं मिलता। ठीक है पीटर, लगा फोन और मांग लीजिए। हाँ पीटर, तू फोन लगा, जो होगा देखा जाएगा। एक बार फिर सोच ले पीटर, कहीं वो
देने से मना ना कर दे। हेलो मिस्टर सोलंकी, मैंने आपको एक मैसेज किया जिसमें साफ लिखा है कि आपको कितना पैसा और कहां पहुंचाना। यार आज का एक एक मिनट एक एक दिन के बराबर गुजर रहा है। हाँ यार, पता नहीं आज शाम होगी भी या नहीं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो चली नहाने। ये आइडिया अच्छा है, मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों यहीं रुक के इन मैडम का ख्याल रखो, ठीक है? मैं अकेली चली जाऊंगी। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी, देखता हूँ गाड़ी में कुछ मिल जाए तो खाने के लिए लेके आता हूँ। आज अच्छा मौका है और ये भी गया। यार मैं भी यार बहुत थक गया हूँ, थोड़ा टहल कर आता हूँ। अबे साले, इन लोगों को कुछ नहीं होने वाला, बेकार का अपना टाइम वेस्ट कर रहे। वाव, क्या सीन है, बिल्कुल हिंदी फिल्मों की तरह। आज मौका अच्छा है तो कभी ना सनी मिली। वाव, अबे तू तो गाड़ी पे गया था ना खाना खाने, तो फिर इधर क्या कर रहा है? बेटे जहाँ समा होती है ना वहाँ परवाना पहुँच जाता है। इस समा का परवाना तू नहीं, मैं हूँ। अच्छा हाँ, आज फैसला हो ही जाए। इस समा का परवाना तू है कि मैं हूँ। तनु मैं आ रहा हूँ। तनु तुम्हारा सच्चा अबे ये तो अंदर चली गई। हाँ यार, ये अंदर क्या गई, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या वो बाहर नहीं आ सकती, मैं तो अंदर जा सकता हूँ। मैं भी चलता हूँ। अबे तू क्यों जाएगा? तनु मैं आ रहा हूँ। चला गया तू जल्दी? आ रहा हूँ मैं भी। क्या सोच रही है? सोच रही हूँ थोड़ी देर में हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे। तो तूने कभी सोचा है कि तुम उन पैसों का क्या करोगे? सबसे पहले अपन एक लंबी सी गाड़ी लेंगे। अच्छा, उस गाड़ी में किसे बिठाएगा? किसको बिठाएगा मतलब? अरे अपुन की गाड़ी है तो अपुन ही तो बैठेगा। हाँ, लेकिन आगे ड्राइवर, वो क्या है ना कि अमीर लोग की गाड़ी ड्राइवर ही चलाते हैं। और एक सुंदर सा प्यारा सा
बंगला। उसमें किसको रखेगा? अरे अपन का बंगला है तो अपन ही तो रहेगा। हाँ लेकिन उसमें कई सारे नौकर होते हैं। वो क्या है ना कि अमीर लोग के जितने भी काम होते हैं सब नौकर ही करते हैं। और बंगले में एक प्यारा सा बेडरूम होगा जिसमें एक लंबा सा बेड पड़ा होगा। उस बेड पर तू ही सोएगा ना? अरे आज तू कैसे सवाल कर रही है? अरे अपुन का बेड है तो अपुन ही तो सोएगा। कमाल, गाड़ी में तू बैठेगा, बंगले में तू रहेगा, बेड पर भी तू ही सोएगा, तो मैं कहाँ जाऊंगी? साले इसीलिए तूने मुझसे प्यार किया ना? अरे रोमा तू तो बुरा मान गई। देख अपुन का मतलब था कि तेरा मतलब तो मैं समझ गई। पैसा आने से पहले तेरा ये हाल है, पैसा आने के बाद तो तू मुझे भूल ही जाएगा। ये तेरी गलतफहमी है कि मैं तुझे भूल जाऊंगा। हाँ ये सच है कि अपुन तुझे बंगले में नहीं रखेगा क्योंकि अपुन ने तेरे लिए उससे भी अच्छी एक जगह रखी है। देखना चाहोगी? सच? यहाँ। अच्छा रहोगी? हाँ। हेलो, किसे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। बाय। क्या हुआ तनु? अंजलि अंदर नहीं है। क्या बोल रहे हैं? चलो। अरे कहाँ चल गए? तू यही थी। सब के सब चल गए हैं कुछ। इधर देखो। इधर देखो। इधर देखो। शनी, शिवा, पीटर, रोमा, जल्दी आओ। आओ सब, जल्दी आओ। शनी, शिवा, और पीटर रोमा कहाँ है? तुम लोगों को असली से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे तो करोड़पति नहीं बन सकते। सब करो। देखो अंजलि यहाँ नहीं है। क्या? ओ सिट, ये कैसे हुआ? मुझे तो लगता है वो भाग गई, लेकिन उसके हाथ भी तो बंधे हुए थे ना। अबे बेवकूफ, भागने के लिए हाथों की नहीं पैरों की जरूरत पड़ती है। क्या यार? अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। लेकिन अब क्या करें? करना क्या है, मिलके ढूंढते हैं। चलो चलो। हाँ
इधर देखता हूँ। पीटर, राघव, रोमा, अंजलि मिल गई। लगता है प्यार की भाषा तुझे समझ नहीं आएगी। ये भाषा कैसी लगी? माना कि हम बहुत बड़े क्रिमिनल, लेकिन याद रहे बंदूक का निशाना बहुत अच्छा। अगर दोबारा तूने भागने की कोशिश की ना, तो तेरे पति को 6 करोड़ के बदले में तू नहीं बल्कि तेरी लाश मिलेगी, समझी? याद रखना। ले चलो इसे, उठाओ। अब कैसे भागोगी मैडम? अब तो आपके पांव भी बंध गए। देखो, सोलंकी के आने का टाइम होने वाला है, सब लोग होशियार है ना? तू फिक्र मत कर पीटर, मैं तो बचपन से ही होशियार हूँ। वो तो दिख ही रहा है। सोलंकी की आते ही हम सब उसे चारों तरफ से घेर लेंगे और ठीक से चेक भी करेंगे, कहीं कोई लोचा तो नहीं है। पहले वो आ तो जाए। वो जरूर आएगा और पैसे भी लाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी हमारे कब्जे में। देखो भाई लोग,
घबराने करें, जब इतना वेट किया है तो थोड़ा और सही। ए भाई लोग, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। हाँ, 6 करोड़ सुनकर उसका मूड तो नहीं बदल गया। मुझे तो लगता हमने कुछ ज्यादा ही पैसे मांग लिए। अरे मैंने तो पहले ही बोला था इतने पैसे मत मांगो। अरे बेचारा कहाँ से लाएगा 6 करोड़। क्यों ना कुछ पैसे हम कम कर दें? हाँ, 6 करोड़ की जगह 3 करोड़, 50% डिस्काउंट। बिल्कुल नहीं, एक बार जो मांग लिया सो मांग लिया। उसके आने का सही टाइम तो अब हुआ। अरे आ गया। सुनो सब, जैसा बोला गया वैसे ही करना है, ठीक है? चलो। आओ रोमा, संभल कर। तुम सब लोग अपना अपना पोजीशन ले लेना, ठीक है? ये कोई चाल तो नहीं चल रहा है। जंगल मिस्टर सोलंकी। मेरी पत्नी कहाँ है? ए शिवा, तलाशी ले। सनी, सब ठीक है? इधर भी सब कुछ ठीक है। सूटकेस में पैसे भी हैं? ये इतना बड़ा सूटकेस हमें खुश करने के लिए ले आया मिस्टर सोलंकी। मेरी पत्नी कहाँ है? ए भाई लोग, इसकी लैला को लेकर आओ। देखो बेचारा कैसे फड़फड़ा रहा है। आजा, चल सनी। साला अपनी तो सचमुच निकल पड़ी। नहीं देख लो सोलंकी साहब, आपकी पत्नी तो बिल्कुल साबुत है। और अब जरा लक्ष्मी के भी दर्शन करा दो। सीधी खड़ी हो, तुझे चक्कर के अलावा कुछ और नहीं आता? ए शिवा, जरा मैं चुटकी तो काट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आओ। बहुत खूब सोलंकी साहब, आपने अपना वादा पूरा किया और अब हम अपना वादा पूरा करेंगे। एक मिनट, पहले पैसा उठा ले। ये भी सही है। अरे अरे वाह, सोलंकी साहब भी हमारी गैंग में शामिल हो गए। हम तो भाभी के साथ चोर सिपाही खेल रहे थे, क्यों सनी? हाँ सोलंकी साहब, हम तो भाभी को खेल खेल में ही उठा लाए थे। तो क्या हुआ? अब गेम खत्म? अब तो मैं भाभी को घर छोड़ के आऊंगा। चले भाभी। ए ज्यादा होशियारी नहीं, वरना 6 सेकंड के अंदर 6 गोली तुम 6 लोगों के सीने में होंगी।
जो जहाँ खड़ा है वो चुपचाप वहीं खड़ा रहे। ए, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो ना। देखिए देखिए सुलाकी साहब, ये तुम्हारे बोलने का नहीं सुनने का टाइम है, मेरी पत्नी को खोलो वरना। सोलंकी साहब गोली मचा। नहीं नहीं नहीं, गजेंद्र इन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी है, इन्हें छोड़ना मत। गजेंद्र अगर तुम यहाँ नहीं आते ना तो ये लोग मुझे मार ही देते, इन लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा मजाक नहीं करते, सोलंकी साहब सच समझ लेंगे। डोंट वरी अंजलि, तुम्हें क्या लगता है ये दो पैसे के लोग तुम्हें मार देंगे? और मैं देखता रहूंगा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि तुम्हें मैं मारूंगा। सोलंकी साहब प्लीज गोली मत चलाना। तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोगों को मारकर मैं मेरा स्टेटस नहीं गिराऊंगा, और हाँ मैं गरीबों का हक भी नहीं मारता। तुम्हारा 6 करोड़ इस बैग में है, तुम ये पैसा लेकर जा सकते हो, लेकिन 30 मिनट के अंदर। अगर तुम 30 मिनट के बाद इस जंगल में रुके तो आने वाली मुसीबत के खुद जिम्मेदार होंगे। मैंने अपनी पत्नी को क्यों मारा, तुम लोगों को पैसा क्यों दे रहा हूँ, और भागने का टाइम भी क्यों दे रहा हूँ, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारे पास बहुत कम समय है, इन 30 मिनट में तुम अपनी जान बचा सकते हो, अगर नहीं बचा पाए तो खुद को ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब, बेस्ट ऑफ लक। यार मुझे तो लगता है ये आदमी पागल है, साला अपनी पत्नी को ही मार दिया। हाँ यार मुझे तो लगता है हम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। ये सब तेरा आइडिया था ना, तूने हमें मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे क्या पता था वो ऐसा करेगा। अगर तुझे कुछ पता ही नहीं था तो हमें यहाँ लाया किस लिए, मरवाने के लिए? मैं तो कहता हूँ सूटकेस उठा के सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं। नहीं नहीं, उसने हमें 30 मिनट का टाइम दिया है, क्यों ना 30 मिनट रुक कर देख ले। सोलंकी बहुत चालाक इंसान है, उसने 30 मिनट का समय हमें कुछ सोच समझ कर दिया है। देखो भाई लोग, सोलंकी ने क्या किया, क्यों किया, ये सोचना अपन लोग का काम नहीं। अपन लोग यहाँ पर पैसे के लिए आए थे, सूटकेस अपन लोग के सामने, इसलिए अपन तो बोलता है कि सूटकेस उठाओ और भाग लो, क्या बोलते हो? सही, मुझे लगता है पीटर की बात सही है, हम सबको भाग लेना चाहिए। फिर सोचना क्या है, उठाओ सूटकेस और भाग लो। ओके पीटर सही बोलता है, इसका आइडिया सही है, सूटकेस उठाओ और भाग लो। चलो आओ। एक मिनट, हम सब भाग क्यों रहे? ले भाई बता इसको, सो रहा था ना, अभी अभी जा रहा है। मेरा मतलब है कि जब हम सब ने कुछ किया ही नहीं तो भागना किस बात का? तू शायद कुछ भूल रहा है राघव, फिरौती का पैसा और अंजलि की लाश दोनों हमारे पास जंगल में मौजूद हैं। अगर पुलिस आ गई तो खून का सारा इल्जाम हमारे सर आएगा। तुझे पता नहीं सारे सबूत हमारे खिलाफ हैं। लेकिन गवाह सिर्फ हम हैं। एक मिनट, अंजलि का खून होते हुए सिर्फ अपन लोग ने देखा है,
अगर अपन लोग लाश ही गायब कर दें तो ना कोई सबूत, हाँ ना कोई गवाह। जब लाश ही नहीं मिलेगी तो खून का इल्जाम कैसा? वाह क्या आइडिया दिया है मेरी जान। हमें फौरन वापस चलना होगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। जल्दी करो यार। पैसे माल के सनी। और तेज। लाश कहाँ गई? ऐसा नहीं, जरा ठीक से देख, ये वही जगह है ना जहाँ लाश थी? हाँ ये वही जगह है। तो फिर लाश कहाँ गई? भाई लोग अपन को लगता है कि इस जंगल में अपन लोग के अलावा कोई और भी है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। ये तो राघव भी बता सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? देख राघव, हम यहाँ तेरे कहने पे आए थे और अगर हमें कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार तू होगा। बिल्कुल। देखो ये झगड़े का वक्त नहीं है, अपन लोगों को बहुत समझदारी से काम लेना है, ठीक है? ये तो बकवास मत कर, अपना मुंह बंद रख, तू भी उसी के साथ। ए, तूने पीटर से ऊंची आवाज में बात की? चीर के रख दूंगी। तू मुझे चीरेगी कमीनी? ये क्या कर रही हो? तूने मुझ पर हाथ उठाया, तेरी माँ की। ए पीटर, ए पीटर, अरे रोक ले उनको। रोक ले रोमा को, नहीं तो मैं शादी से पहले ही विधवा हो जाऊंगा। रोक ले पीटर, रोक ले। अब दोबारा ऐसी गलती। रोक ले पीटर, रोक ले पीटर, रोक ले यार। अरे बस करो। अपन लोग बहुत बड़ी मुसीबत में। ए भाई 30 मिनट हो चुके, पता नहीं क्या होगा। ये आवाज कहां से आ रही है? मैं देख कर आ। पता नहीं आज क्या होगा। कौन आ गया यार? ना जाने कौन होगा। हमें ना पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। मर गए, बन गए करोड़पति। लो मर गए, अब क्या करें? अरे करना क्या, निकलो यहाँ से। रोमा चलो सब, चलो सब निकलो भाई। सूटकेस तो ले लो। हाँ यार सबसे बड़ी चीज तो वही है, चल। भाग, अच्छी मुसीबत फंस गए। भाग भाग मेरी जान, भाग। एक हर है क्या सब? आओ चाहे जितना छुप लो, मेरी नजरों से बचना मुश्किल है। Thank you.
ए, साले तुम मुझे ढूंढ रहे हो या मैडम को? अबे साले तू ही तो ढूंढ, इधर आया ना। चल चल दिया, चल दिया। हो रहे ए, पकड़ो उन्हें। शिवा भाग, तन्नू को कुछ नहीं होना चाहिए। शिवा आज आज ही मुसीबत फंसे। भागने पाए, पकड़ो इन्हें जल्दी। शिवा तनु तुम दोनों भागो। शिवा तनु को लेकर भाग जाओ, हम पास चुके हैं। दिख नहीं रहे हैं। तुम लोग इधर जाओ, मैं इधर जाऊँ। अरे जाओ, अब नहीं भाग सकते, तुम सब खिल चुके हो। बात हो गई भागा दौड़ी, अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। हमने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, वो कमीना सोलंकी अपनी बीवी को मार के चला गया। हाँ इंस्पेक्टर, हम तो बिना कुछ किए ही फंस गए। चुप करो, तुम्हारी एक भी नहीं चलने वाली। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमें जाने दो। बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, लेकिन अफसोस इंस्पेक्टर रूबी के सामने किसी की नहीं चलती। ए, चलो भाई मुझे दो। कैसे नहीं, सूट किस्मत देना, सारे पैसे चले गए तो हमारे पास क्या बचेगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्यों ना आधा-आधा बांट लिया जाए। बकवास बंद करो वरना गोली मार दूंगा। मैं आखिर बार कह रहा हूँ जाओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। जाओ तनु, तेज भागो और तेज। सनी तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, भाग नहीं सकते हो। कहता रुक जाओ। तनु रुकना नहीं है, भाग चल, भाग चल। ओ तनु,
तनु तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तनु उठो, तनु उठो, मेरे साथ चलना है तुमको। तनु तुम्हें मेरे साथ चलना है। तनु शिवा अब निकल, उठो प्लीज। तनु आंखें खोलो। तनु तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तनु आइए सोलंकी साहब, ये रहे आपके मुजरिम जिन्होंने आपकी पत्नी का खून किया, और ये रहे आपके छह करोड़। सोलंकी साहब ये लीजिए। मुझे पैसा नहीं सर, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। इंस्पेक्टर सर, वहाँ पे एक औरत की लाश पड़ी है। औरत की लाश? कहीं वो आपकी पत्नी तो नहीं? अंजलि, ये क्या हो गया अंजलि तुम्हें? अंजलि ऐसे नहीं हो सकता। अंजलि मुझे माफ कर दो। अंजलि मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। आई एम सॉरी सोनी, जो होना था हो गया। हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। काश आप थोड़ा पहले आ गए। राकेश रावत जी सर, किडनैपर और पैसा दोनों मौका वारदात से मिलते हैं, और अब मैडम की लाश। ऐसा करते हैं हम लोग अब चलते हैं। मैं थोड़ी देर में एम्बुलेंस भेजूँ ताकि लाशें पोस्टमार्टम के लिए जा सकें। ठीक है सर, हवलदार चलो मेरे साथ। अच्छा सोलंकी साहब, मैं भी चलता हूँ। हो सकता है मुझे एम्बुलेंस के साथ आना पड़े। खुद को संभालिए। राघव एंड पीटर, मैं जानता था तुम लोग जरूर आओगे, क्योंकि तुम्हारी 6 करोड़ पाने की आस अभी टूटी नहीं है। इन 6 करोड़ पर तुम्हारा ही हक है, लेकिन इस बार एक खेल होगा। और हाँ, ये 6 करोड़ तुम तीनों को नहीं, किसी एक को मिलेगी। तुमने अपुन के साथ ऐसा क्यों किया सोलंकी? सवाल अच्छा है, तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूं। पहला सवाल, मैंने अपनी पत्नी को क्यों मार डाला? गजेंद्र सोलंकी को सब जानते हैं, अंजलि प्रॉपर्टीज का मालिक। लेकिन सच्चाई यह है, मालिक नहीं नौकर था मैं, मालकिन थी यह अंजलि। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, एक पति होकर अपनी पत्नी के इशारों पर नाचना मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए इसे मार डाला।
अब अगला सवाल, मैंने इसे यहाँ पर आकर क्यों मारा? जब किसी करोड़पति औरत का खून होता है, सबसे पहला शक उसके पति पर जाता है। अंजलि की किडनैपिंग का प्लान मैंने बनाया। क्या ये तुम्हारा प्लान है? और हम सबसे खास सवाल, ये 6 करोड़ किसे मिले? उसे। जो मेरे कहने आया। हैरान हो ना कि अगले पल में क्या होने वाला है, किसे मिलेंगे ये 6 करोड़? सोचने की जरूरत नहीं है। लगता है अब सच्चाई से पर्दा हटा देना चाहिए। क्यों राघव? जी सोलंकी सर। राघव, तूने अपुन को धोखा दिया। अपुन को? राघव, ये तूने सही नहीं किया। इसमें राघव का कसूर नहीं है। मैंने कहा ना, ये पूरा प्लान मेरा था। अब पुलिस को भी यकीन है कि अंजलि का किडनैप हुआ था और मैं इतनी मोटी रकम देने के बाद भी अंजलि को बचा नहीं पाया। मैं तो सिर्फ एक मोहरा था पीटर, जो 6 करोड़ के लिए सोलंकी साहब की गैंग में शामिल हुआ। तुम सबको यहाँ तक लाना, अंजलि को किडनैप कराना, सूटकेस उठाने के बहाने रिवाल्वर गिराना, ये सब एक प्लान था। नमस्कार सोलंकी साहब। आओ राघव। काफी दिन बाद आपने याद किया सोलंकी साहब। इस बार जो तुम काम करोगे वो काम तुम्हें मालामाल कर देगा। सच? आप काम बताइए सोलंकी साहब। तुम्हें सिर्फ इसको किडनैप करके जंगल तक पहुंचाना है। बस बस इतना सा काम? आप चिंता मत करो, काम हो जाएगा सोलंकी साहब। लेकिन ये औरत है कौन? मेरी पत्नी है। क्या? समझदार लोग आम खाने से मतलब रखते हैं, पेट गिनने से नहीं। ओके, काम हो जाएगा। लेकिन इन्हें उठाना कब है? अंजलि हर सुबह एक्सरसाइज करने जिम जाती है। तुम्हें अंजलि को कल सुबह वहीं से उठाना है। लेकिन एक काम मैं अकेला नहीं कर सकता। तुम्हें जितने आदमी चाहिए साथ ला सकते हो। मैं हर एक के बदले 1 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन याद रखना, सारे लोग भरोसे के होने चाहिए। सब भरोसे के लोग होंगे सोलंकी साहब। मैं अभी आपके सामने बात करता हूँ। लोपीटर। हाँ राघव, बोल राघव। एक बड़ा काम हाथ लगा है और कल ही करना है। क्या बोलते हो? बोल राघव, तैयार है? बस तू अपना प्लान बना। ओके, लेकिन तो है कहाँ? अब रोमा के साथ है, होटल शीतल, टेबल नंबर 5। शीतल होटल, टेबल नंबर 5। ठीक, तू है रुक, मैं वहीं आता हूँ। ओके राघव, बाय। राघव का फोन था, एक बड़ा काम हाथ लगा। ये तो गुड न्यूज है। बोल रहा है थोड़ी देर में इधर जा रहा है। सुनो, मैं फ्रेश होके आती हूँ, जल्दी आना। सोलंकी साहब, मैं आज शाम तक और लोगों से बात करता हूँ और कल आपका काम हो जाएगा। वेरी गुड,
लेकिन याद रखना, यह बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। ओके सर, मैं चलता हूँ। राघव ने पूरी वफादारी से मेरा साथ दिया है और ये 6 करोड़ रुपए सिर्फ राघव को मिलेंगे और तुम्हें मौत। ऐसे क्या देख रहा पीटर? ये 6 करोड़ रुपए तेरी दोस्ती से कहीं धारी, इसलिए मैंने ये 6 करोड़ चुने। और हाँ, अगर पैसे हैं तो 1000 दोस्ती मिलेगी, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। रिलैक्स पीटर, जिसकी ज़िंदगी की डोर टूटने वाली हो उस पर ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अब मैं अपनी पत्नी से 10 मिनट बात करना चाहता हूँ। इन 10 मिनट के अंदर किसी की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। मैं जानता हूं अंजलि, तुम्हें मारकर मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन क्या करता, तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी पोजीशन मुझे कभी पसंद नहीं थी। अपनी ही पत्नी के पीछे खड़े रहना मुझे कभी कबूल नहीं था। मुझे तुम्हारे बात पुकारा जाए यह बात मुझे बिल्कुल कबूल नहीं थी। मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए थी और वह तब तक मुमकिन नहीं था जब तक तुम जिंदा थी। मार दिया तुम, हो सके तो मुझे माफ कर देना अंजलि, मुझे माफ कर देना अंजलि। मुझे जिंदा देखकर हैरान होना मिस्टर सोलंकी, वैसे तो बेहद चालाक और शातिर हो तुम, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। प्लान तो बहुत जबरदस्त बनाया था, शायद वो कामयाब भी हो जाता, पर मेरी ये किस्मत तुम्हारे दिमाग से ज्यादा तेज निकली, क्योंकि तुम्हारा ये प्लान मैं पहले ही जान चुकी थी। जिस वक्त तुम मेरी किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहे थे उसी वक्त मैं होटल डिग्निटी पहुंच गई। ऐसा काम सोलंकी साहब, इस बार जो तुम काम करोगे वो काम तुम्हें माला माल कर देगा। अच्छा, अब काम बताइए सोलंकी साहब। रिस्क बड़ा है, काम किडनैपिंग का है। हो जाएगा सोलंकी साहब। इस फोटो को गौर से देखो, तुम्हें कल सुबह जिम से बाहर किडनैप करके मेरा फोटो इसे जंगल पहुंचाना है। ठीक, मैं अभी आपके सामने बात कर लेता। हेलो पीटर, कहाँ हो? शीतल होटल, टेबल नंबर 5। ठीक, होटल शीतल, टेबल नंबर 5। जिस तरह तुमने यहाँ अपना एक आदमी भेजा था उसी तरह मैंने भी अपना एक आदमी भेजा था, और ये 6 करोड़ उसी को मिलेंगे। क्यों पीटर? बिल्कुल मैडम, जैसा आपने बताया अपन ने वैसे ही किया। अरे यार, तुम लोग अपन को ऐसे क्या घूर घूर के देख रहे हो? चलिए मैडम, आप इनको ज़रा बताइए कि अपन लोग की डीलिंग कब और कैसे हुई थी। सर, आपका नाम पीटर है, ये आपके लिए एक मैडम ने दिया है। ठीक है, तुम जाओ। अगर करोड़पति बनना है तो नीचे बेसमेंट में आ करके मिलो। अरे वेटर, ये हॉल किस तरफ है? बेसमेंट। सर, जैसे ही आप रेस्टोरेंट से बाहर निकलेंगे वहीं लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ।
अरे ये कहाँ है? ए सुनो। बोलिए। जो साहब यहाँ बैठे थे वो किधर? नीचे गए हैं मेन हॉल में। ओ, तो तुम हो पीटर? जी। कौन? आप हो? मैं वही हूँ जिसका कल सुबह तुम किडनैप कर रहे हो। क्या? आप उनको समझा नहीं? मेरे पति गजेंद्र सोलंकी ने मेरी किडनैपिंग का प्लान बनाया है और ये काम तुम्हारे दोस्त राघव को सौंपा है। तो आप क्या चाहती हैं? सोलंकी का जिस तरह तुम्हारा दोस्त राघव काम कर रहा है, मैं चाहती हूँ तुम भी उसी तरह मेरा काम करो। इसमें आप उनका फायदा? सारा पैसा तुम्हें ही मिलेगा। ओके, अब उन वेरी गुड। ये लो मेरा कार्ड, बाकी बातें फोन पर। और हाँ, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। ओके। जब अपन को पता चला कि तू अपन को धोखा देने वाला, तो अपन ने भी तेरे को धोखा देने का फैसला कर लिया। और हाँ, मैडम ने जो भागने की कोशिश की थी ना, दरअसल वो अपन लोगों ने डिस्कस किया था। क्या तुम लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा? आई एम सॉरी मैडम, आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है। डोंट वरी पीटर। अच्छा ये बताओ, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे आपने बोला था सब कुछ वैसे ही हो रहा है। राघव की बंदूक से असली गोली निकाल कर नकली डाल दी। गुड। आज सोलंकी को उसका असली चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। खैर, तुम मेरी पिस्टल लाए हो? हाँ लाए ना, ये लीजिए। लगता है कोई आ रहा है। अब मुंह पे टेप लगाइए। लाइए, मैं आपके हाथ बांधता हूँ। और आप यहाँ आसपास कोई भी ठीक सी जगह देख के छुप जाइए, ठीक है? तू कितना बड़ा कमीना है रे पीटर। अपन को इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राघव, लेकिन तूने कहा था ना कि पैसा है तो 1000 दोस्त मिल जाएंगे। अब अपन के पास पैसा है। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। अपन को तेरी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं। ना ना नहीं, ज्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के सीने में लावा उबल रहा है। इस लावे को ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, तो क्यों ना एक गेम खेल लिया जाए? अब उनको समझानी मैडम। समझाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये 6 करोड़ तुम्हें मिले, और मिस्टर सोलंकी चाहते हैं कि ये 6 करोड़ राघव को दिए जाए। तो क्यों ना एक मुकाबला हो जाए, पीटर वर्सेस राघव। एक को मिलेंगे 6 करोड़ और एक को मिलेगी मौत। इसी बहाने तुम लोगों के दिल का लावा भी ठंडा हो जाएगा। क्यों राघव, क्या कहते हो? अगर ऐसा हुआ मैडम, तो आपका मुझ पर पहला और आखिरी एहसान होगा। तुम क्या कहते हो पीटर? तुझे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है राघव, और अपुन को अपुन के दिमाग पर। ये 6 करोड़ रुपए अपुन के। मरना तो आपको भी है मिस्टर सोलंकी। मैं चाहती हूँ कि राघव की मौत का नज़ारा आप जरूर देखें। आप ही का बिछाया जाल है जिसमें आप खुद फंस गए। रुक जाओ, ऐसा मत करो। पैसों के लिए तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हो। ए लड़की, बीच मानी कोशिश मत कर, वरना इससे पहले तेरी लाश गिरेगी। तुम उससे जीत नहीं सकता पीटर, लेकिन क्या करें, सवाल 6 करोड़ का है। और हाँ, तुझे मारकर मुझे बहुत अफसोस होगा। लेकिन जब अपन तेरे को मारेगा राघव,
तो अपन को जरा भी अफसोस नहीं होगा। मत लड़ो तुम दोनों, रुक जाओ। ऐसा बंद करो लड़ाई। मैडम रोक लो उन्हें प्लीज, मत करो राघा।
शाबाश पीटर, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। ये 6 करोड़ के हकदार तुम ही हो, तुमने ये साबित कर दिया। पर इससे पहले मैं अपने पति से 5 मिनट बात करना चाहती हूँ। हाँ तो मिस्टर सोलंकी, अब आप बताओ, ये सब कर कर आप क्या हासिल करना चाहते थे? बताओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। डोंट वरी मिस्टर सोलंकी, तुम जैसे रोबदार आदमी के चेहरे पे डर अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं वही कर रही हूँ तुम्हारे साथ जो तुम मेरे साथ कर चुके हो। मैं मानता हूँ मैंने गलती की और तुम्हें धोखा भी दिया। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, तुम्हारा ये घिनौना चेहरा तो मैं पहले ही देख चुकी थी, और उसके बाद भी मैं यहाँ आई तो सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारे चेहरे से नकाब उतार सकूं, तुम्हारा ये असली चेहरा तुम्हें दिखा सकूं। और ये है तुम्हारा असली चेहरा, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति चाहे कैसा भी हो, एक भारतीय नारी अपने पति को नहीं मार सकती। ऐसा मत करो अंजलि, ये सब मत करो अंजलि। याद करो वो पल जो हमने, याद करो अंजलि, याद करो, याद करो अंजलि, याद करो जो हमने। हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी? एक पत्नी होकर अपने पति को मारने जा रही थी, कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित मुझे करना ही चाहिए। ऐसा मत करो अंजलि, मुझे उस पाप की सजा मिलनी ही चाहिए। सब ठीक है अंजलि, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर। मैं उस पाप का प्रायश्चित करती रहूंगी। नहीं नहीं, तुमने क्या किया अंजलि, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम कितने अच्छे हो सोलंकी, तुमने मुझे माफ कर दिया। अफसोस, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हैरान हो ना पीटर कि मैंने ये सब क्यों किया। मेरी किडनैपिंग भी हुई, मेरे पति ने 6 करोड़ रुपए की फिरौती भी दी, जान पर खेलकर मारा भी गया, लेकिन फिर भी किडनैपरों ने मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, पर फिलहाल कोई बात नहीं, अब ठीक है। खैर, तुम ये पैसे लेकर जा सकते हो। बेस्ट ऑफ लक पीटर। चलो रोमा। एक मिनट पीटर, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा कि तुम ये पैसे लेके जा सकते हो, ये लड़की नहीं। अब उनको समझा नहीं? समझे नहीं या समझना ही नहीं चाहते? पर मैडम, ये अपन का प्यार है, अपन उसको छोड़ के कैसे जाएगा? ओ कम ऑन पीटर, ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, कोई लव स्टोरी बनाने की कोशिश मत करो। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी फिल्म हिट हो? क्यों इसे फ्लॉप करने पर तुले हो? ये पैसे लो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। पैसा है तो हर कदम पे नया प्यार मिल जाएगा, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। अपन रोमा को नहीं छोड़ सकता मैडम, ये अपन का प्यार है। ये देखो, ये है प्यार का अंजाम।
पैसे के लिए कोई किसी को भी मार सकता है, धोखा दे सकता है, और तुम इस लड़की के लिए ये 6 करोड़ रुपए ठुकरा कर जा रहे हो। कभी प्यार किया हो तो जानो, अब उन रोमा के लिए 6 करोड़ तो क्या, 600 करोड़ को भी लात मार सकता है, क्योंकि दौलत अब इनकी जरूरत है और प्यार अब उनकी जिंदगी। और आपकी यह दौलत आपको मुबारक हो मैडम, अब उनके प्यार को लेकर जा रहा है। चल रोमा। ऐसी गलती मत करना पीटर, मैं अपने पीछे कोई सबूत या गवाह नहीं छोड़ना चाहती। एक तरफ ये लड़की है और दूसरी तरफ ये 6 करोड़ रुपए। अमीरों के पास इस पैसे के अलावा हथियार ही क्या होता है मैडम, सोचता वो है जिसे अपने फैसले पे शक होता है, पर अपुन को अपुन के प्यार पे पूरा भरोसा है। चल रोमा। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। आ, आ। तुम दोनों तो नए जमाने के लैला मजनू लग रहे हो। शायद तुम दोनों को पता नहीं कि लैला मजनू का अंजाम क्या हुआ था। मुझे तो लगता है कि ये 6 करोड़ रुपए तुम्हारे नसीब में ही नहीं है। शायद तुम्हें लैला और मजनू वाली मौत जरूर नसीब हो जाएगी। वैसे भी इस पिस्तौल में 1 गोली बची है, अब तुम दोनों डिसाइड करो कि ये गोली कौन खाएगा। पीटर अभी भी सोच लो, तुम्हारे पास वक्त है। वन टू थ्री। जिंदा देखकर हैरान होना मैडम, ये सब आइडिया इस कमीने पीटर का था। अगर ये आपके पति के रिवॉल्वर में नकली गोलियां डाल सकता है तो क्या अपने में नहीं डाल सकता। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है मैडम, अपन दोनों के अलावा इस खेल में एक खिलाड़ी और भी है। क्यों रोमा? अरे ये कहाँ गए? ए सुनो, जो साहब यहाँ बैठे थे वो कहाँ गए? नीचे गए हैं मेन हॉल में। बेसमेंट में? अगर करोड़पति बनना है तो बेसमेंट में आकर मिलो। ओ, तो तुम हो पीटर? पन आप कौन? अपन पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसका तुम कल सुबह किडनैप करने वाले हो। मेरे पति गजेंद्र सोलंकी ने मेरी किडनैपिंग का प्लान किया है और ये काम तुम्हारे दोस्त राघव को सौंपा है। अच्छा, तो ये बात है। हम सब ये पहले ही जान चुके थे। तो क्या बोलते हो तुम दोनों? तेरा मतलब है कि अपन लोग वैसे ही करें जैसा अपन को अंजलि ने और राघव को सोलंकी ने बोला? हाँ, लेकिन उन दोनों को पता नहीं होगा, हम तीनों उनका सारा प्लान जान गए। बात तो ठीक। तो ऐसा ही करते हैं, हम लोग अंजलि को किडनैप करके जंगल में ले जाएंगे, सोलंकी उसको मारने की कोशिश करेगा और अंजलि उसको रंगे हाथों पकड़ लेगा और हमें हमारा पैसा। वाह वाह रोमा, क्या प्लान है।
हम सब ये पहले ही जान चुके थे। ओह, तो तुम तीनों मिले हुए हो और तुमने मुझे धोखा दिया पीटर। राघव, क्यों तुम इन लोगों के साथ अपना नुकसान कराना चाहते हो इन लोगों की बात मानकर? 6 करोड़ के अगर हिस्से होंगे तो तुम्हें सिर्फ 2 करोड़ ही मिलेंगे। मैं तो कहती हूँ तुम इन दोनों को मारकर पूरे 6 करोड़ रुपए कमा लो। तो क्या कहते हो राघव? बताओ राघव। अब एक पत्ता खुलना बाकी है मैडम। जानती हो रोमा का राघव से क्या रिश्ता है? ये मेरी सगी बहन है और ये पीटर मेरे बचपन का दोस्त है और ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इनके लिए, इन दोनों के लिए ये 6 करोड़ के मैं अपनी जान दे सकता हूँ। लेकिन ये बातें मैडम आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपका रिश्ता दौलत से है, इंसानों से नहीं। मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम तीनों ने मुझे धोखा दिया है। तुम लोग मेरी पावर को नहीं जानते। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मौत के दहलीज पर खड़े लोगों के मुंह से धमकी अच्छी नहीं लगती मैडम। हर खेल को जीतने के लिए 3 इक्कों की जरूरत होती है और इस खेल के 3 इक्के अपन लोग हैं। नकली गोलियों का खेल बहुत हो गया मैडम, क्यों ना अब असली गोलियों का खेल हो जाए। और हम 6 करोड़ लेने आए थे और 6 करोड़ लेके जा रहे हैं। और हाँ, अपन लोग भी गवाह नहीं छोड़ते। देखो देखो पीटर, मैं तुम मुझे जानते नहीं। देखो बहुत पछताओगे, तुम तीनों मुझे नहीं जानते। देखो मैं तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अलविदा मैडम। ऐसा मत करो। जल्दी भी क्या है दोस्तों, अभी तो इंस्पेक्टर योगी की एंट्री बाकी है। चलो फटाफट बाहर निकलो। मुजरिम पुलिस से आंख मिचोली खेल नहीं बच सकता बच्चों। चलो सबके सब गाड़ी से बाहर निकलो। अब आए हो योगी के झंडे के नीचे, अब तुम लोगों को मुझसे कौन बचा पाएगा? कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो गोली मार दूंगा। हमें जाने दो इंस्पेक्टर, हमने कुछ नहीं किया। हो तो तुम लोगों ने सोलंकी को भी मार दिया और बोलते हो कि हमने कुछ नहीं किया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें हमने नहीं मारा बल्कि चुप कर, मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या? ओहो, 6 करोड़ रुपए किसी ने सच ही कहा। ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर मार के देता है। चलो सूटकेस लाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये अपन का पैसा है, इसे छीनने की कोशिश मत करो। क्या बोला? तेरा पैसा? मैं तुझे बेवकूफ लगता हूँ? ये सूटकेस मैंने अपने हाथों से सोलंकी को दिया और हाँ ये वही पैसा है
जो तुम लोगों ने खिरौती में मंगाया, मेरे हाथों तुम्हारे कुछ साथी तो मर गए, लेकिन तुम बच गए। इंस्पेक्टर, ये सब सोलंकी की चाल थी। वो अंजलि की मौत का इल्जाम हमारे सर पर डालकर पुलिस की आंखों में धूल झोंका था। मुझे सब पता है, तुम क्या बताओगे? तुम्हारे ही साथियों ने मरने से पहले मुझे सब बता दिया था। उस वक्त तो मैं चला गया क्योंकि मेरे साथ काफ़ी लोग थे, लेकिन एम्बुलेंस के बहाने मैं दोबारा यहाँ ताकि अंदर की बात जान सकूँ, समझे? लेकिन मैंने सोचा ही नहीं कि ये छः करोड़ मुझे मिल गया। इसे कहते हैं, वैसे 6 करोड़ मिलने की खुशी मैं तुम तीनों को आजाद कर सकता। तुम जा सकते, पूरी बात सुनो, सूटकेस देने की बात। चलो सूटकेस निकालो। याद रखना इंस्पेक्टर, अब उनका पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। तुम शायद भूल चुके हो कि पुलिस वाले कोई भी पैसा बचाना अच्छी तरह से जानते हैं। चलो पीछे 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 खड़े हो। संभाल का सर, कहीं ट्रिगर दब गया तो गोली चल जाएगी सर। क्या बदतमीजी है रावत? मैं वही बदतमीजी कर रहा हूँ सर जो आप अभी इन लोगों के साथ कर रहे थे। अपनी औकात में रहो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अरे काहे का सीनियर, सीनियर तो 6 करोड़ मिलने के बाद मैं तुम्हारा हो जाऊँगा। पैर नीचे रखो। अगर ऐसी बात है तो इन रुपयों में से थोड़ा बहुत मैं तुम्हें दूँगा। थोड़ा बहुत नहीं, मुझे पूरा पैसा चाहिए। बैग इधर रख दो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, वरना मैं सचमुच गोली चला दूंगा सर। बैग नीचे रखो। हिलना मत, सीधे खड़े रहो। अरे इस शेर को, सवा शेर कौन मिल गया? हिलना मत, जो तुम्हें यहाँ लेकर आया उसे ही भूल गए हो। ड्राइवर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक तो तुम दोनों भी नहीं कर रहे हो। क्या सारा पैसा अकेले ही हड़पना चाहते हो? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ड्राइवर, इसे गोली मार दो और पैसा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। चलाओ गोली। हाँ, अगर हम तुम दोनों को गोली मार दूँ, सारा पैसा अकेले ले लूँ तो कैसा रहेगा? ड्राइवर, तुम्हारी इतनी हिम्मत? कोई चलाकी नहीं, दोनों अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो। सुना नहीं, जल्दी करो, जल्दी रखो। दोनों को छोड़ूंगा नहीं। सूट के नीचे रखो, जल्दी। पैसा लेकर भाग बन गए करोड़पति, गया सारा मर गए हम।
चाबी यहाँ है इंस्पेक्टर। तुम अभी जिंदा? हाँ, अफसोस की बात तो ये है कि मौत भी मुझसे मुंह मोड़ के चली गई। उन तीनों ने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत डरी हुई थी, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब आंखें खुली तो देखा कि गोली जमीन पे चली थी। मैं डरी सहमी उन तीनों को देख रही थी। ऐसा क्या देख रही है बेटा? अपन लोग बुरे जरूर हैं, पर इतने भी बुरे नहीं कि पैसे के लिए किसी की भी जान ले ले। और वैसे भी जो माफ करना नहीं जानते उन्हें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं होता। काश ये बात आपने भी समझ ली होती मैडम, तो आज सोलह के साथ जिंदा होते। अगर ऊंचाइयों को छूने का शौक है तो माफ करना सीख ले। आपके पति ने जो आपके साथ किया वो गलत किया, लेकिन आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपन लोग गलत हैं तो फैसला आपके हाथ में है। चलिए जी, चल रखा। पर तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं चाहती तो उनको वहीं गोली मार सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। उन 6 करोड़ के वही तीनों हकदार थे, इसीलिए मैंने उन तीनों को जाने दिया। चाबी मुझे दो, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्हें जाने दो इंस्पेक्टर, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सारा प्लान मेरे पति का था, उन्हीं की वजह से 3 लोगों की मौत हुई और मेरे हाथों मेरे पति का कत्ल हुआ है। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार कर लो। लेकिन वो 6 करोड़ उन्हीं के थे, उन तीनों ने सच ही कहा था। 6 करोड़ लेने आए थे और 6 करोड़ लेके जाएंगे। वो सचमुच इस खेल के 3 इक्के हैं। मैं खुद को कानून के हवाले करना चाहती हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर। रावत जी, जी, जी सर। अंजलि मैडम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया जी। ऐसा करो, लाश को उठाकर गाड़ी में। ठीक है सर। ड्राइवर इधर आओ। जी सर। चलो लाश उठाने में थोड़ी मेरी मदद करो, अब थाने में वाट लगेगी।